कैसे लोग हैं दादी ये लोग, इन्हें कोई दुख ही नहीं है। तुम्हें बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। बाहर नहीं जाती तो इन लोगों की बेइज्जती कैसे देखती? अगर दुल्हन बेगम के अलावा कोई देख लेता और पहचान लेता तो? कौन पहचानता, कोई नहीं पहचानता। अगर दुल्हन बेगम ने मैडम को कुछ बता दिया, अब तुम की रिश्तेदारी हो गई है। अगर उन्हें रिश्तों का इतना ही एहसास होता ना, तो अब तक शर्म से मर जाती। गैरत और शर्म के नाम के जनाजे सिर्फ गरीबों के घर से निकलते, चाहे वो बाप का हो या बेटी का। इन लोगों का कुछ नहीं जाता। तबीयत सही होगी तुम्हारी अब? आजरा तुम जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कुछ कितने शॉर्ट नोटिस पर उन लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया था? तो आप लोग रुक जाते ना वहां, ताकि लोगों को लगता कि हम अपनी बहू का ख्याल नहीं रखते। हम लोग ऐसा क्यों समझेंगे? मैं हूं ना अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए। सुहेल तुम्हें समझ नहीं आता, क्यों नहीं तुम्हें नजर आता कि वो ड्रामा करती है सब कुछ राय की खुशी बर्बाद करने के लिए? देखिए मोहम्मद, मैंने आपको पहले भी बताया था उसकी तबीयत का। तो दिखाओ ना किसी डॉक्टर को जाकर, पता तो चले आखिर कौन सी बीमारी है जो राय के ससुराल जाते ही हो जाती है उसे। पता है मुझे कौन सी बीमारी है? मेरा मतलब है कि वीकनेस है, रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। आप भी जाके रेस्ट करें, काफी रात हो गई।